बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद नाज़रीन अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं चैंपियंस कप जे हवाले सां जिते डॉल्फिन्स जी टीम आहे जेका उहा आउट थी चुकी आहे ऐं प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई नाहे करे सघी डॉल्फिन टीम जो मेंटो सरफराज़ अहमद हुयो हुननि जो कप्तान सऊद शकील हो उहा टीम ॿाहिरि थी चुकी आहे उन खां अलावा चार टीमूं आहिनि जेके उहे प्ले ऑफ जे लाइ क्वालिफाई करे चुकियूं आहिनि 29 सेप्टेम्बर ते हिन टूर्नामेंट जो फाइनल थींदो उन खां अलावा PCB जी अहम मीटिंग थी आहे अॼु लाहौर में जिते कप्तान कोच ऐं उनखां अलावा कुझु रांदीगर उन मीटिंग में शामिलु हुया उते कहिड़ा फ़ैसिला थिया आहिनि उन हवाले सां पाण ॻाल्हि कंदासीं ओवरऑल चैंपियंस कप जे हवाले सां पाण ॻाल्हि कंदासीं ऐं उन ते ॻाल्हि करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि मुनीर उल हक साहिबु सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब शुरुआत करेंगे आज लाहौर में जो हाई लेवल की कनेक्शन कैंप हुई है उसके हवाले से क्या कहेंगे उस कैंप में कौन कौन शामिल था और क्या फैसले हुए वहाँ पर देखिए फैसले तो जो है उसकी पूरी डिटेल अभी आना बाकी है लेकिन उसमें हेड कोचेस भी शामिल थे उसमें बहुत सारे मेंटोर सारे खिलाड़ी और आपकी जो करंट टीम के जो चैंपियंस कप में खेल रहे हैं वो भी सब उसमें शामिल थे तो 8-9 प्लेयर थे बाकी कोचेज और असिस्टेंट कोच और मेंटोर सब ने मिलके बेसिकली इनका ये कहना है कि इस कनेक्शन कैंप का मकसद ये है कि एक मुत्तफिका विजन बनाया जाए यानी किसी एक उस पर सब आ जाए कि यहाँ बैठ के हम फैसला करेंगे कि टीम को आगे कैसे लेके जाना है असल बात ये है जमशेद के इस तरह की स्ट्रेटेजी इजलास तो जरूर होना चाहिए लेकिन जो मामलात हैं वो खिलाड़ियों के हैं टीम के हैं टीम की परफॉर्मेंस जब तक अच्छी नहीं होगी आप किसी को भी कोच लाके बिठा देंगे गोरे को या आप लोकल को जब तक आपकी टीम जीतेगी नहीं जब तक आपकी टीम का रिदम नहीं होगा जब तक आप किसी को भी कुछ भी बुला ले है मसला ये है इस वक्त कि आपकी टीम का रिदम खत्म हो गया है आपकी टीम इस वक्त बहुत बुरी तरह डिप्रेस है आप सबसे हार रहे हैं जीत की शक्ल आपने नहीं देखी अभी आपने चैंपियंस कप की बात की चैंपियंस कप का हाल ये है कि 10 मैचेस हुए हैं और तमाम के तमाम 10 मैचेस में कोई टीम टारगेट चेज ही नहीं कर सकी बल्कि शुरू के मैचेस में जमशेद आपको याद होगा 160 रन 133 रन डॉल्फिन्स तो एक मैच 175 रन से हारी है और 97 रन पर उसकी पूरी टीम आउट हो गई थी लेकिन अभी पिछले कुछ मैचेस में जो मार्जिन ऑफ डिफीट है वो कम है 116 रन से था 120 रन से था 135 रन से था लेकिन उसके बावजूद कोई टीम चेज नहीं कर सकी अपनी तमाम तरह कोशिशों के बावजूद ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की सर चैंपियंस चैंपियंस कप पे आएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कनेक्शन कैंप के हवाले से कनेक्शन कैंप में क्या नाम कनेक्शन कैंप क्यों रखा गया और क्या कुछ इनसाइट्स क्या अपडेट्स क्या हैं क्या हो सकता है फैसले वहाँ पर देखिए यहाँ पर फैसले तो कुछ नहीं होने फैसले ये सारे सब बैठेंगे सब मिलके कोई एक राय कायम कर लेंगे मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि इस तरह की पहले भी मीटिंग होती रही है लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया है और बहुत पहले इसकी बातचीत सुनाई दे रही थी बहुत पहले कहा जा रहा था कि 22 या 23 तारीख को फिर फाइनली 23 तारीख हुई कि इसमें कनेक्शन कैंप इसमें अभी भी खिलाड़ी जो इंग्लैंड से सीरीज होनी है उस हवाले से कोई बात नहीं है ना स्क्वाड का ऐलान है ना कप्तानों का कोई बात होगी इसमें सिर्फ स्टडी तय होगी कि पाकिस्तान को इस मझधार से जो खिलाड़ी हैं जो टीम है उसको कैसे निकाले जाए सब अपनी अपनी राय पेश करेंगे सब अपनी अपनी हिकमत अमली देंगे और उसकी बुनियाद पर कोई फैसला आएगा चले सर अब चैंपियंस कप जो है उसके हवाले से बात करते हैं सरफराज अहमद जिस टीम के मेंटोर थे वो टीम बाहर हो गई है क्या कहेंगे एक मैच में तो उन्होंने ये फैसला भी किया जैसे आपने कहा कि जो टीम चेस करने की तरफ जा रही है वो मैच हार रही है तो सऊद शकील ने एक मैच में टॉस जीतकर वहां पर फील्डिंग का फैसला किया था क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी होगी उनके उनकी क्या लगता है कि जो आज ये बाहर है अपनी इस गलती की वजह से बाहर है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल गलत डिसीजन था आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ना मौसम अबरालूद है ना विकेट में कोई ऐसी बात है तो आपने ये बिल्कुल एक दीवाने वाला डिसीजन हो गया कि आपने टॉस जीत के पहले दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दी थी आप ये देख रहे थे कि आपसे पहले जितने मैचेस हुआ यही है चैंपियंस कप में टॉस जीतो या टॉस हारो जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत जाएगी आखिर तक हमने यही देखा कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी उनकी बिल्कुल 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 वो चीज किसी के समझ में नहीं आई कि सऊद शकील ने ये फैसला क्यों किया अब अभी भी ना उसको वो जस्टिफाई कर सके कि वो मैच वो 92 रन से उनकी टीम वो मैच हारी थी जिसमें टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था और सर ये जो मेंटोर्स हैं या कोचेज हैं ये क्या कर रहे हैं अपनी टीमों को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि चेज कैसे होगा यहाँ पर
देखिए बात यह है कि जब एक टीम आपकी जब एक दफा आप बस्ती में चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त बहुत ज्यादा डीप खाई में पाकिस्तानी टीम जा चुकी है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जा चुके हैं। आपने इसमें देखा कि खिलाड़ियों की फिटनेस देखें आप, खिलाड़ियों की फील्डिंग देखें, कोई आपको ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो इसमें से आपको निकल के सामने आए। आपको वही खिलाड़ियों पर भरोसा करना पड़ेगा। कामरान गुलाम, अब्दुल समद, मुबस्सिर खान, ये दो तीन नाम है जो हमें समझ में आता है कि यहाँ है, लेकिन ये व्हाइट बॉल के लिए अभी आपको रेड बॉल की सीरीज है और उन्हीं खिलाड़ियों में लगता है वही शाहिनशाह अफरीदी, वही नसीम शाह, क्योंकि आमिर जमाल भी मुझे फिट नजर नहीं आ रहे हैं। तो चीजें कुछ ऐसी हुई नहीं कि जिसको, और दूसरी बात यह कि सारा फोकस आपने वनडे पे कर दिया है। 10-12 दिन रह गए टेस्ट सीरीज शुरू होने में, इंग्लैंड ने एक हफ्ते पहले स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आपका स्क्वाड का नहीं पता, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसी विकेट बनाएंगे आप, फास्ट विकेट बनाएंगे आप, स्पिन विकेट बनाएंगे आप, डेड विकेट बनाएंगे, अभी कुछ भी नहीं पता। अभी ये सिर्फ इसमें लगे स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी तय बहुत पहले की जाती है, स्ट्रेटेजी तय करने का वक्त खत्म हो गया है। अब देखते हैं कनेक्शन कैंप से क्या डॉल्फिन्स की जो टीम है वो आउट हो गई है, क्या पॉजिटिव्स आप देखते हैं कि डॉल्फिन्स जो है यहाँ से लेकर जाएंगे? नहीं, डॉल्फिन्स के लिए तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। डॉल्फिन्स ने तो बहुत ही मायूस किया है, सऊद शकील ने बहुत मायूस किया है, इवन सरफराज अहमद ने बहुत मायूस किया है। उनकी टीम में अगर हम देखें तो बहुत बड़े नाम तो थे, डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी थे, मोहम्मद हुरैरा वहां पर थे, साहबजादा फरहान थे, तो ये तो सीजन के विनर है, यहाँ तो डोमेस्टिक खेलिए, उनको तजुर्बा भी है, फिर भी ये टीम आगे नहीं जा सकी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक के दोनों खेले में मोहम्मद हुरैरा से लोगों को बहुत तवक्कात थी, वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। एक मैच में शायद उन्होंने 47 किए, बाकी हर मैच में वो सिफर पर या एक रन पे आउट हुए। साहबजादा फरहान की भी जो डोमेस्टिक फॉर्म थी हमें वहां नजर नहीं आई है, ये एक सेटबैक जरूर हुआ है। लेकिन खुद कप्तान सऊद शकील को तो आप देखें, फ्रंट से लीड करने चाहिए, आपको देर तक बैटिंग करनी चाहिए, आप भी नहीं कर पा रहे हैं। सरफराज अहमद भी कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि जो हमें नजर आता कि कुछ चीज नहीं थी। तो डॉल्फिन्स का तो हम टोटल फेलियर कहेंगे बहुत, यहाँ पे किसी को हम सपोर्ट करें जाती हो जाएगी दूसरी टीमों के साथ। डॉल्फिन्स खराब खेली है, डॉल्फिन्स अपनी गलती से हारी है, ये हमें मानना पड़ेगा। सरफराज अहमद जो कि मेंटोर थे, वो एक मैच भी हमें खेलते हुए नजर आए, एक मैच में वो शामिल थे, लेकिन अब लगता है उनके पास भी जो क्रिकेट थी, अब वो एज अ प्लेयर तो आगे उनका करियर नहीं चल सकता। क्या लगता है अब सरफराज अहमद को फैसला कर लेना चाहिए कि उनका अब जो एज अ प्लेयर है वो अब खत्म हो चुका है सफर? मेरे ख्याल है अभी तो वो खेलना चाहते हैं, फिलहाल तो वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, लेकिन मेंटोर बनते वक्त उनके जहन में ये जरूर आया होगा कि मेंटोर वो खिलाड़ी बने हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको आप प्रेजेंट क्रिकेट नहीं खेलती हैं, इनको स्पेशली परमिशन दी गई थी कि आप मेंटोर भी हो और आप जो है खेले भी। तो अगर वो खेल नहीं पा रहे हैं तो डिसीजन लेने का वक्त उनका है, लेकिन अभी मेरे ख्याल है वो फिलहाल ऐसा कोई फैसला करने नहीं जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे या कुछ होंगे। वो अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें उनको स्क्वाड में रखा जाएगा। अच्छा, चलो अगर मेंटोर्स की बात हो रही है तो दो ऐसे मेंटोर्स हैं जो टीमों को छोड़कर यूएसए चले गए हैं, क्या कहेंगे? उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, तो जब ये शुरू हो रहा था तब ये फैसला हो चुका था, पीसीबी से उनकी बात हुई थी, या फिर ये अचानक से मेंटोर्स ने फैसला लिया है कि हम जो है अपने पर्सनल किसी काम के लिए यूएसए जाएंगे? सर, पर्सनल काम कुछ नहीं होता, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको 50 लाख रुपए माहाना सैलरी पर रखा गया है 3 साल के मुआहदे पे, तो करोड़ रुपए आपको 3 महीने में मिलेंगे, उसके अलावा आपका TA DA बहुत सारी चीजें हर जगह मरात इनको मिलती है, वैल्यू मिलती है, उस पर पर्सनल चीजें कोई नहीं होती। देखिए किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा न करे, तो फिर सब रियायत होती है, लेकिन इस तरह जैसे मिसबाउल अब चले गए, एक और चले गए, इसका कोई वो नहीं है। और जबकि आपके यहाँ कनेक्शन कैंप हो रहा है जिसका इतने दिनों से था, चेयरमैन खुद उसको कर रहे हैं, चीजें हैपरेड हैं। आप ये देखें कि इतनी बड़ी सीरीज होने वाली है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा है, यानी 7 अक्टूबर से वो सीरीज होगी जिस पर इंग्लैंड की टीम पूरा फोकस रखे हुए। आपको यही नहीं मालूम है कि आप स्पिनर्स को खिलाएंगे या फास्ट बॉलर खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, आपने कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहे। आपकी सारी तवज्जो चैंपियंस कप पे, वो भी फेलियर हो गया। चैंपियंस कप को इतना जितनी हाइप थी ना, चैंपियंस कप आई एम सॉरी इतना उठ नहीं सका, बिल्कुल वो रहा लोगों की। सर, क्राउड तो हमें नजर आया है तकरीबन हर मैच में, हाउसफुल तो नजर आया है। देखिए क्राउड तो बिल्कुल नजर आया, उसकी वजह ये है कि फैसलाबाद में सालों से क्रिकेट नहीं हो रही थी, वो पानी का प्यासा आदमी को पानी मिलेगा तो वो तो पानी पीने जाएगा ना, तो फैसलाबाद की आवाम का तो शुक्रिया, आवाम ने वाकई वहाँ क्राउड आया है, भरा है, लोगों ने देखा है,
लेकिन वो एक दिलचस्पी जो अगर ओवरऑल आप बात करें, आप अपने साथियों से बात करें, आप अपने क्रिकेट लवर से बात करें, किसी को इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो हाइप जो बनाई गई थी, जितना पैसा खर्च किया गया ना, देखिए मेंटोर, फिर हेड कोचेज, असिस्टेंट कोचेज, मसाजर, एनालिस्ट, वीडियो वाले, ऐसी कौन सी चीज ऐसी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के इंटरनेशनल टीम को नहीं मिलती, जिनको नहीं, इनको पूरा एक अपना वो भी दिया गया अलग अलग सब मुल्कों में कि भाई आप वहां, आपके लिए एक नर्सरी भी बना दी गई, आप वहां जाएं, आपकी एकेडमी दे दी गई कि आप वहां उस एकेडमी में पूरे साल प्रैक्टिस करेंगे, उसके मेंटोर रोड के बाहर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये तो चीजें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, चीजें वक्त के साथ चीजों को। चले सर, जैसे जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड की सीरीज भी आ रही है, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस पे या ओवरऑल डोमेस्टिक के कौन से ऐसे परफॉर्मर है जो जा सके? कुछ अगर नाम है तो यहाँ पर तो कामरान गुलाम है, उन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस पे, उनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, कई सालों से वो रन करते आ रहे हैं, तो उसके साथ कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि आ सकते हैं और फिर उनको प्लेइंग 11 में चांस भी मिलना चाहिए, क्योंकि कामरान गुलाम तो पहले भी टीम के साथ रहे हैं लेकिन उनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया और काफी हद तक इसका एक्सप्लेन भी किया है, आपकी बिल्कुल सही बात है। कामरान गुलाम को इस दफा इनको हिम्मत करनी होगी, प्लेइंग 11 में लेना होगा। बेशक आप अब्दुल्ला शफीक को हटाते, इवन आप कप्तान को हटाते, शान मसूद को नहीं परफॉर्म हो रहा है तो आप हटा के इनको तो आपको प्लेइंग 11 में लेना पड़ेगा। इस तरह हमने मुबस्सिर खान को देखा है, बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, उसको लें। मोहम्मद हसनैन का कमबैक हुआ, हसनैन को आप एज ए फास्ट बॉलर ले सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक भी खेलते रहते हैं और ये इनमें थोड़ी सा हमें नजर भी आया पोटेंशियल। तो ये 2-3 प्लेयर हैं, लेकिन जाहिर है चूंकि वनडे कप है, आपने बिल्कुल सही कहा, वनडे की बुनियाद पर टेस्ट में नहीं ले सकते, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों को आपको लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आपको प्लेइंग 11 में लेना चाहिए अगर आप समझते हैं जब ही आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड के पास भी आप देखें, जो स्पिनर्स उनके पास आ रहे हैं वो भी बहुत कम एक्सपीरियंस, चाहे रेहान हो चाहे शोएब बशीर हो, इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो टीम के साथ लेके आ रहे हैं और टीम में जो उनके लगन और जज्बा है ना, वो खिलाड़ियों को उठाता है। अच्छा सर, कोई ऐसा टैलेंट जो कि पहले, जैसे कामरान गुलाम तो पहले भी परफॉर्मर था, हम सबको पता था, इसके अलावा जो दूसरे कुछ प्लेयर्स हैं वो पहले थे, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जो इस चैंपियंस कप की दरियाफ्त हो या इसमें वाजे सबके सामने? अब्दुल समद है चैंपियंस कप की दरियाफ्त, हार्ड हिटर है, पाकिस्तान को एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन की जरूरत है, अब्दुल समद की सूरत में हमें नजर आया है। लेकिन सर, अब्दुल समद ने भी तो पहले मैच में परफॉर्म किया था, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद अभी भी उन्होंने 28-30 किए। एक चीज, हर कंसिस्टेंसी तो अपनी जगह है, लेकिन बंदे की वर्थ पता चल जाती है कि इस बंदे का बैट कैसा चल रहा है और इसमें कितनी वर्थ है, तो उसको आपको ग्रूम करना चाहिए। आपका एनसीए किस लिए है यार, नेशनल क्रिकेट एकेडमी इसीलिए तो है। यही होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, हमें प्लेयर्स मिलते हैं, अब हमें नो लुक शॉट अपना सायम अयूब मिले, लेकिन जैसे ही वो टीम में आया उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। रिसेंटली अभी एक 150 उन्होंने स्कोर कर लिया, लेकिन उससे पहले मुसलसल वो फ्लॉप हो रहे थे, तो हम ग्रूम नहीं करते अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल सही बात है आपकी, कंसिस्टेंट नहीं है सायम अयूब, यही उनसे धड़का लगा रहता है कि पता नहीं चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो हमें जब तक एतमाद नहीं होगा अपने प्लेयर पर, जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि किसी पे भी एतमाद नहीं है आपको, आपको अपने ना बैट्समैनों पे एतमाद है ना बॉलर्स पे एतमाद है, आप करें तो क्या करें। एक आपको वही बाबर आजम और रिजवान मिलते हैं कि यार यही कुछ नहीं है, वो पार लगाएं तो लगाएं, बाकी किसी भी बैट्समैन को आप ये नहीं कह सकते यार इन पर हमें एतमाद है। अब इन्हीं खिलाड़ियों से आपको निकलने, आगे आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस भवन से निकलेंगे, इस मझदार से निकलेंगे, एक आध आप कामयाबी हासिल करेंगे, जब तक टीम आपकी जीतेगी नहीं अभी आप कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त एशिया में आपकी टीम सबसे कमजोर टीम है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों आपसे अच्छी है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आपने देखा भी अफगानिस्तान ने किस तरह वनडे सीरीज में पहले दोनों मैच जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनको पता है, कि होम ग्राउंड का एडवांटेज कैसे लेना चाहिए, किसको, अफगानिस्तान को। तो यार पाकिस्तान को तो होम ग्राउंड का क्या एडवांटेज लेंगे, लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी आपने डेड विकेट बना दी। नहीं सर, मैंने कहा अफगानिस्तान ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया, तो होम ग्राउंड का अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की टीम को सबसे बड़ा ये है कि वो एज ए टीम खेल रहे हैं, वो जीत के जज्बे के साथ खेलते हैं भाई, उनको हर प्लेयर जो है जान मारता है।
अगर वो 89 या 100 करते हैं, गुरबाज तो दूसरे रहमत शाह और दूसरे प्लेयर भी उनका साथ देते हैं, राशिद खान भी 5 विकेट लेते हैं, पर टीम में से जंबल नजर आ रहा है। चैंपियंस कप के हवाले से आखिरी सवाल होगा आपसे, रोहेल नजीर जो कि मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रहे हैं वो, लेकिन लायंस के स्क्वाड में थे और उनको सिर्फ एक ही मैच मिलाया अभी तक, तो क्या लगता है रोहेल को इतना मुसलसल नजरअंदाज क्यों किया जाता है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ज्यादती है उस प्लेयर के साथ जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहा है पाकिस्तान का, अंडर 19 के कप्तान भी रहे, अभी जो मैच खिलाया, अच्छी परफॉर्मेंस दी 50 स्कोर की। नहीं ये बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए कुछ प्लेसमेंट में भी गड़बड़ थी, एक टीम में रिजवान भी हैं तो हसीबुल्ला भी हैं तो बिस्मिल्ला खान भी हैं, एक टीम में ओसामा मीर भी हैं तो शादाब खान भी हैं तो अरफात मिनाज भी हैं, तो ये प्लेसमेंट की भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन बहुत सारे जो नौजवान लड़के थे जिनको ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे उनको नहीं मिले। अब अगर आप कुजिल शाह और फहीम अशरफ और आसिफ अली को अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं शादाब खान को, ये तो आपकी वो है, आपकी गलत फहमी है। अब तो नौजवान लड़के ज्यादा रखने चाहिए थे, उनको ज्यादा मौका देना चाहिए था। सर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के हवाले से मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे, दो ऐसे प्लेयर जिनके मैं नाम लूंगा यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? एक तो मोहम्मद अब्बास हैं जो कि अचानक से गायब हो गए, और दूसरे हैं जायद महमूद जो कि एक बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, चैंपियंस कप में परफॉर्म किया, इससे पहले भी वो डोमेस्टिक में एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जायद महमूद का तो मुझे बिल्कुल लगता है कि उनको आपको स्क्वाड में रखने चाहिए। अभी चैंपियंस कप में देख रहा था, अच्छी फॉर्म में गेंदे कर रहे थे, रिदम में थे। अब जो आपने अब्बास की बात की, अब्बास बहुत अच्छे से हमारे सर्किट से बाहर है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी उनको लाया जाएगा या कुछ किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसमें वो रेडार में है नहीं कि जिनको चलाया जाए, तो अब्बास को तो अभी काउंटी तक ही मेरे ख्याल महदूद रखेंगे। हाँ ये हसनैन की जैसे मैंने आपसे बात की या दीगर एक दो बॉलर्स की, उनको शायद ये लाए तो लाए, वरना अदरवाइज वही पुराने जो बॉलर्स हमारे पास हैं वही चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीरुल हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरन तवां गालियों बुधियो मुनीरुल हक साहब जो चैंपियंस कप जे वाले सा पाण गाल बोल कई से, उनका अलावा जेका इंग्लैंड जी टीम आहे उहा पाकिस्तान जे दौरे ते ईंदी, टे टेस्ट मैच थींदी, हुन में कहिड़ो स्क्वाड हूंदो उन हवाले सां पाण गाल बोल कई से। हिते वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ।